वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूं आप सब अपने घर पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। जो अपनी सीरीज है उसमें आगे बढ़ते हुए आज मुझे काफी खुशी हो रही है कि आप सब लगातार देख रहे हैं इन चीजों को और बेनिफिट उठा रहे हैं अपनी लाइफ में। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास में और डाउट्स भी आ रहे हैं। जैसा कि कल के लिए भी डाउट्स आया था कि सर वो जो आप प्रीपोजिशन पढ़ाई आपने वो कंजंक्शंस पढ़ा है तो कंजंक्शंस के जो एग्जांपल्स हैं उनके लिए वो क्लियर नहीं हो पाए। डोंट वरी, आज मैं उसको कवर करता हूँ। आज थोड़े से लेक्चर में एक नई चीज इंक्लूड की है मैंने, ये डेली होगी अब आज से, तो ये जरूर देखते रहिए। पेब्लो पिकासो बहुत अच्छे पेंटर रहे हैं और उनकी काफी किताबें भी छपी है और बहुत अच्छे विचारक रहे हैं वो। उनके जीवन से मैं काफी प्रभावित हूँ अपनी लाइफ में, निजी जीवन में। उनका एक विचार था तो मैंने कहा इसको हिंदी में ही डिस्कस करूं तो आप बहुत अच्छे से उस चीज को समझ जाओगे। वैसे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात भी कही है कि मेरी माँ मुझसे बोलती थी तुम सिपाही बनोगे तो एक दिन जो है बड़े अफसर बन जाओगे सेना में, और तुम शिक्षक बनोगे तो एक दिन प्राचार्य बन जाओगे। पर मैं इन दोनों में से कुछ भी नहीं बना, मैं पेब्लो था और चित्रकारी की मैंने और पिकासो बन गया, पेब्लो पिकासो। तो एक अपनी आइडेंटिफिकेशन व्यक्ति की होनी बहुत जरूरी। मैं वस्तुओं के चित्र वैसे बनाता हूं जैसा मैं उन्हें सोचता हूं, थिंकिंग पर बेस्ड पूरा, न कि वैसे जैसे मैं उन्हें देखता हूं। तो चीजें देखने का अपना अपना अलग अलग नजरिया होता है, सबका एक अपना अप्रोच होता है कि कैसे चीजों को देखा जाए। तो जीवन में जो है चीजों को देखना बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ में ये बहुत जरूरी है, और उसी चीजों को अपने विचारों के अकॉर्डिंग देखना चाहिए, ना कि दुनिया के विचारों को अपने ऊपर हावी होने देना चाहिए। चलिए आज के लिए वर्ड्स एफिहेंशन पहला वर्ड है, जिसका मतलब होता है अवेयरनेस, जिसका मतलब होता है ग्राफ्स, आइडिया, इंटेलेक्ट, थॉट, नोशन, परसेप्शन, आइडिया। इसमें कॉन्सेप्ट भी होता है, कॉन्सेप्शन भी होता है, फिलोसफी भी होता है, पर फिलहाल के लिए ये काफी है, ज्यादा बर्डन आपके ऊपर ना बढ़े इसके लिए मैंने कहा धीरे धीरे करके अपन इन चीजों को शुरुआत करते हैं। इन सबके मतलब सेम ही होते हैं। अवेयरनेस जब किसी को जागरूक करते हैं तो विचारों के माध्यम से करते हैं। ग्राफ्स मतलब जब कभी किसी के विचारों में जब हम आ जाते हैं, आइडिया विचार होता है, इंटेलेक्ट इंटेलेक्चुअलिटी या इंटेलेक्ट उसका आईक्यू लेवल, थॉट उसका विचार, नोशन उसका जो परसेप्शन है, मत है, व्यूज है, इसमें ओपिनियन भी हो सकता है। तो ये आज का वर्ड है और आज का विचार ये, मैं वस्तुओं के चित्र वैसे बनाता हूं जैसा मैं उन्हें सोचता हूं, न कि वैसा जैसा मैं उन्हें देखता हूं। बहुत अच्छा विचार है, आप भी अपने जीवन में चीजों को इसी तरह से उतारें। आई होप कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। डेली मैं आपको वॉकैप्स दूंगा और ये वॉकैप्स आपको नोट करनी है, ये याद रखना आप सब। मैं कभी भी आपसे पूछ सकता हूं कि कितनी वॉकैप्स हो गई अपनी, और यू आर कमिटेड टू रिप्लाई एंड आई एम कमिटेड टू टीच यू। मैं कमिटेड हूं आपको पढ़ाने के लिए और आप भी कमिटेड है पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि जस्ट फॉर्मेलिटीज पूरी करें, याद रखें जीवन में ये पढ़ाई बहुत काम आएगी और आपको आगे बढ़ाने में सिर्फ पढ़ाई का ही योगदान हो सकता है। इसलिए इट वुड बी मोर बेटर, पूरा ध्यान अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, ये तो टाइम पास तो चलता रहेगा। बहरहाल मैंने सुना है कुछ आप में से कुछ जो है थोड़ा फोकस दूसरी चीजों पर ज्यादा कर रहे हैं, तो आई होप कि आप भी ट्रैक पर आएंगे, मेन स्ट्रीम में आएंगे और पढ़ेंगे और उसका एडवांटेज लेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। कल हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा वीडियो है, और आप अगर चाहें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला वीडियो प्रीफर करें। जो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला वीडियो है उसे प्रीफर करें। उससे क्या होगा, आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, और जब आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो आई होप आप बहुत अच्छे से उस चीज को समझ पाएंगे। तो कल एक डाउट था सबको, जो मेरे पास मैसेज आया उससे पता लगा
आपको भी कोई डाउट हो तो जरूर मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेज दे अपने नाम के साथ में, ताकि मैं उस पर रिप्लाई कर दूं। 8827977776, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो आप इस पर पूछ सकते हैं, एक मैसेज डाल दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। अगर लिखे हुए नोट्स में कोई दिक्कत आ रही है तो उसका फोटो क्लिक करके भेज दीजिए और उसमें गोला बना के, ताकि मैं फिर आपको रिवर्ट कर सकूं। ओके, तो मैंने पढ़ाया था प्री पोजिशन, ये भी बताया था प्री पोजिशन, दोनों अलग अलग वर्ड है। एक एग्जाम्पल लिया था, इसको संबंध सूचक शब्द कहते हैं, और ये संबंध बताता है किसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में जो संबंध होता है उसे बताते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम को करता है वो सब्जेक्ट होता है, जिनका बेसिक क्लियर नहीं उनके लिए बता लूं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके ऊपर काम होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे सपोज आई एम राइटिंग अ लेटर, तो मैं उसमें सब्जेक्ट हो गया आई, और अ लेटर जो है उसका ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब जो काम हो रहा है वो वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब को आइडेंटिफाई करती है, टेंस को आइडेंटिफाई करने में जो हेल्प करवाती है वो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। और प्रीपोजिशन दोनों को जोड़ने का काम नहीं करती है, संबंध बताने का काम करती है, और कंजम्पशन इसमें सी है। यहां पर कल कैपिटल लिख रहा था मैं, तो इसमें सी नहीं लिख पाया था, तो आप इसमें देखिएगा। वो कल आपने किसी ने रिवर्ट भी नहीं किया मुझे, पर जब उस वीडियो को मैंने खुद ने देखा अच्छे से तो मुझे पता लगा उसमें कैपिटल लिख रहा था, चूंकि उसमें थोड़ा माइंडसेट बना के लिखना पड़ता तो सी लिख नहीं पाया, हालांकि एक्सप्लेनेशन में मैंने लिखा है उसमें, तो देख लीजिएगा। कंजंक्शन क्या करता है, ये वाक्य को जोड़ने का काम करता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शन वाक्य को जोड़ने का काम करता है। किसको जोड़ता है, टू सेंटेंसेस, टू वर्ड्स, दो शब्दों उनको जोड़ सकता है, क्लॉजेस और फ्रेजेस, क्लॉजेस फ्रेजेस वर्ड्स और सेंटेंसेस को जोड़ता है। सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ देता है, वर्ड को वर्ड से जोड़ देता है, क्लॉजेस को क्लॉजेस से, और फ्रेजेस को फ्रेजेस से जोड़ने का काम करता है। जैसे मैं एक वर्ड के साथ में लिखूं, राम एंड सीता, तो एंड क्या किया, दो वर्ड को जोड़ दिया, ठीक है। इसी प्रकार सेंटेंस को भी जोड़ता है, जैसे आई होप दैट यू विल कॉल मी, ठीक है। आई सब्जेक्ट होप, अब मुझे आशा है, किस बात की आशा है, ये इसमें क्लियर नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, इसमें ये इसमें क्लॉज है और इस क्लॉज को इस क्लॉज से जोड़ती है। आई होप यहां यू बने, आई होप दैट यू विल कॉल मी सेंटेंस, ये थोड़ा यहां प्रोनाउंस गड़बड़ हो गया था। तो ये जो है आई होप, मुझे विश्वास है दैट, ये इसमें कंजंक्शन, कंजंक्शन मतलब जोड़ दिया दोनों वाक्यों को, तो ये कंजंक्शन बन गया इसमें। क्लॉज, तो इसमें दो क्लॉजेस को जोड़ के इसने सेंटेंस बना दिया। क्लॉज मतलब जिसमें सब्जेक्ट होता हो, वर्ब होता हो, पर ऑब्जेक्ट नहीं होता हो, ठीक है। इनकम्प्लीट सेंस जिसका हो उसको क्लॉज कहा जाता है। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज जो होता है एक ऐसा वाक्यांश होता है जो क्लॉज से भी छोटा होता है, उसमें उससे भी कम मात्रा में जो सेंस होता है, ठीक है। तो फ्रेज क्लॉज सेंटेंस, पहले वर्ड फिर फ्रेज फिर क्लॉजेस और फिर सेंटेंसेस, ठीक है। दो क्लॉजेस मिलकर एक सेंटेंस बन सकता है, बहुत सारे वर्ड्स जब मिलते हैं तब एक क्लॉज बन जाता है, तब एक फ्रेज भी बन सकता है, कम से कम वर्ड्स मिलते हैं, और सबसे एक लार्ज सेंटेंस बन सकता है, एक बड़ा सेंटेंस बन सकता है। तो ये बेसिक दोनों में डिफरेंस है। जैसे आई कॉल हिम When
ही विल फ्री, इट सेंटेंस। तो आई सब्जेक्ट कॉल, तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो ये क्या है, क्लॉज है। और ये जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये अब सेंटेंस बन गया, ठीक है। यहां सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ दिया। यहां पर देखेंगे आप, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, और इसमें आखिरी में सब्जेक्ट के बाद में जो इसमें ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट इसमें भी ऊपर वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, इधर भी ऑब्जेक्ट नहीं है, दोनों तरफ वर्ब है। तो जैसा कि मैंने बताया था, दो सेंटेंस को जोड़ दिया, दो वर्ब को जोड़ दिया, इन दोनों सेंटेंस को भी जोड़ सकता है। जैसे आई होप दैट यू विल कॉल, आई एंड आई विल कॉल हिम व्हेन ही विल बी फ्री, ऐसा भी बना सकते हैं सेंटेंस को। तो बहरहाल ये फिर क्या होगा, दो सेंटेंसेस को जोड़ देगा क्लॉज, दो वर्ड को ऑलरेडी जोड़ दिया, क्लॉजेस को जोड़ दिया और फ्रेजेस को जोड़ दिया। तो ये बेसिक डिफरेंस है। प्रीपोजिशन संबंध बताती है, चूंकि, बट, कंजंक्शन हमेशा क्या करता है, जोड़ देता है। जैसे सीमेंट होती है, एक ईंट से दूसरी ईंट को जोड़ देती है, बीच में सीमेंट और उसमें रेत मिला के जोड़ती है, वैसे जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ये कल के लिए था, अब आगे बढ़ते हैं अपन। हमारा बचा हुआ है एक, मेरे ख्याल से वर्ब बची है, एडवर्ब बचा है, एडजेक्टिव बचा है और इंटरजेक्शन बचा है। वर्ब, एडवर्ब, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कुछ इसमें अगर मान लो कोई वर्ड मिस हो जाए तो बड़ी आसानी से बता दीजिएगा, क्योंकि इस संसार में कोई महान नहीं होता है। वी ऑल आर लर्नर्स, हम सब सीख रहे हैं, आप सीखते सीखते सीख रहे हैं और मैं सिखाते सिखाते सीख रहा हूं, बस ये फर्क है आप लोगों में और मुझ में, ठीक है। तो फील फ्री टू रिवर्ट एनी टाइप ऑफ क्योरीज, सजेशन एंड एनीथिंग। अब यहां पर पहला वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और बचाता है इंटर जेक्शन, ठीक है। वर्ब आप सबको पता है, वर्ब एम एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। जो कार्य हो रहा है उस सेंटेंस में उसको वर्ब कहा जाता है, ठीक है। और अ स्टेट, स्टेट मतलब अवस्था, अवस्था कौन सी अवस्था में हो, एक एक्शन और कौन सा एक्शन उसमें हो रहा है। अगर एक्शन नहीं होगा तो उसमें स्टेट जरूर रहेगा। दोनों क्लियर कर देता हूं मैं आपके सामने, बड़ी आसानी हो जाएगी आपके लिए। इसको हिंदी में क्रिया बोलते हैं, इसको हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं, क्योंकि एडवर्ब जो है हमेशा वर्ब का एडवर्टाइजमेंट करता है, इसकी मुखालफत करता है, इसको इसकी विशेषता बताता है। और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, ये नाउन की विशेषता बताता है, प्रोनाउन की भी बताता है। प्रोनाउन क्या होते हैं, नाउन के स्थान पे जो वर्ड यूज होते हैं उनको प्रोनाउन कहा जाता है। नाउन इस संसार में जो भी चीजें दिख रही है आपको और जो नहीं भी दिख रही है वो सब नाउन है। हवा, पानी, पर्वत, पहाड़, सबका अपना नाम है, वो सब नाउन है। ये अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड है, कोई प्रॉपर नाउन होती है, कोई कॉमन नाउन होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, कलेक्टिव नाउन होती है, सब अलग अलग तरीके की नाउन होती है। जब अपन नाउन के ऊपर डिस्कस करेंगे बड़ी डिटेल में, जब ये सारी चीजें पढ़ेंगे अपन, तब ये आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। ये 8 parts of speech थी, 4 पहले पढ़ ली और 4 आज पढ़ने जा रहे हैं। और वो डाउट वाला वीडियो जरूर देखें आप, उसमें आपको पता लग जाएगा बेसिकली आपको प्रॉब्लम किस जगह आ रही है। बाय द वे, नाउ वी आर स्टार्टिंग एडवर्ब।
An adverb is what to describe the verb. And what is verb? Verb is an action and a state. State को भी और action को भी. जैसे he is playing. This is one sentence. This sentence is without object. Only main verb is given, helping verb is given, and pronoun is given, which is also called subject. Now pronoun को subject बन सकता है pronoun, और noun भी बन सकता है subject, object भी बन सकता है noun pronoun दोनों. ठीक है. He is playing. But इसमें action हो रहा है. कौन सा action हो रहा है इसमें? इसको बोलते हैं क्रिया. एक्शन कौन सा हो रहा है इसमें? खेलने का एक्शन हो रहा है. बट ही इज सैड, ये नॉर्मल है. सैड मतलब दुखी होना, तो वह दुखी है. तो ये जो है ये वह इसमें स्टेट बता रहा है. इज वेरी सैड. अगर एडजेक्टिव लगा दे इसे आगे, ठीक है. वेरी जो एडजेक्टिव होता है ना कि एडवर्ब होता है. कहीं कहीं एडवर्ब भी होता है पर वो सेंटेंस कुछ अलग तरह से होता है. ठीक है. और अब आगे बढ़ते हैं एडवर्ब की तरह. एडवर्ब ही इज वेरी स्मार्ट. अब अगर इसको हटा दिया जाए तो सेंटेंस बनेगा इज स्मार्ट, इज अ स्मार्ट बॉय. आर्टिकल लगा दिया, बी होगा बॉय, है ना. अंग्रेजी बड़ी आसान भाषा है, बड़ी आसानी से सीखी जा सकती, कुछ भी ज्यादा नहीं है. बस आपके दिमाग से फोबिया निकाल दीजिए आप. इस संसार में वही व्यक्ति सफल बना है जिसने अपने दिमाग से निकाल दिया कि ये काम कठिन है ना. ठीक वैसा ही है जैसे सर्दी के अंदर बहुत ही ठंडा पानी होता है और हमें नहाना होता है और जल्दी पानी गर्म नहीं करते और हम जैसे ही डाल लेते हैं उसके बाद में ठीक हमारा डर खत्म हो जाता है. तो कार्य को के होने से पहले जो डर रहता है दिमाग के अंदर वो निकालना बहुत जरूरी. ठीक है. वही अभी थोड़ी देर पहले पाब्लो पिकासो का जब थॉट मैंने डिस्कस किया, चीजों को उस तरह से देखो जिस तरह से आप देखना चाह रहे हो, वैसे नहीं जैसे वो चीजें दिख रही है आपको. अपीयर हो रही है उन चीजों पर विश्वास नहीं करना. तो हमारे सामने इंग्लिश जो अपीयर हो रही है वो ऐसे बहुत डिफिकल्ट है, बट इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि हर सेंटेंस में हर कुछ बना सकते हो आप. ठीक है ना. जैसे एक वर्ड लेता हूं मैं बुक, बुक का मतलब किताब होता है, और जब आप इसमें आईएनजी लगा देते हैं तो बुकिंग मतलब किसी भी टिकट को बुक कराना. सेल, सेल, और डू मीन सेल मीन्स कोशिका. एक सेल होता है सेलिंग के लिए, उसकी स्पेलिंग अलग अलग होती है. तो एक जैसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनसे आप अल्टरनेटिव्स काम ले सकते हैं. तो ये सेंटेंस देखा मैंने, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि नाउन के स्थान पे यूज हुआ है. हेल्पिंग वर्ब है वेरी, इसमें क्या है? ये जो है वेरी, ही इज वेरी स्मार्ट बॉय. तो ये इसकी विशेषता बता रहा है स्मार्ट बॉय की. तो ये अब चूंकि यहां पर हमने एडजेक्टिव यूज कर लिए इसलिए आर्टिकल हट जाएगा. यहां पर वेरी का मतलब बहुत ज्यादा, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है. और ये जैसे एक सेंटेंस है, ही इज लर्निंग वेरी स्लो. सपोज यहां पर मैंने लिख दिया ही इज लर्निंग वेरी स्लो, ही इज लर्निंग वेरी स्लो. अब क्या हुआ? अब ये लर्निंग है, इसकी विशेषता ये वेरी स्लो बता रहा है. इसका मतलब ये इसमें एडवर्ब है, क्योंकि पहले यहां पर कोई वर्ब नहीं थी, अब यहां पर वर्ब रख दिए तो ये एडवर्ब की विशेषता बता रहा है. इससे पहले क्या था? एडजेक्टिव था. कौन सा था? वेरी था. पर अभी वो फिलहाल जो है इस वर्ब की विशेषता बता रहा है, इसलिए वो एडवर्ब है. तो एक सेंटेंस दो तरह से काम में आ गया. अब इंटरजेक्शन देख लेते हैं. इंटरजेक्शन में क्या होता है? ये फीलिंग और इमोशंस के लिए होता है. बैड फीलिंग्स भी हो सकती है इसमें किसी के लिए,
जैसे हेट हुआ, ठीक है, नेगेटिव थॉट्स किसी के बारे में हो। जैसे आपने देखा होगा वाओ, ठीक है, वाओ मतलब वाह, एक हुर्रे, एक व्हाट बोलते ना अपने, व्हाट अ शॉट, तो उसमें एक्सक्लेमेशन है। अपने इमोशंस को, फीलिंग को, गुस्से को आपने देखा होगा जब अपन काइंड ऑफ सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करके एक है विस्मय बोधक वाक्य। तो इसमें जितने भी विस्मय होते हैं वो सब इसी में आते हैं। दुख भी होता है इसमें, एलास करके, काश, वाओ, राव करके भी होता है। तो इसमें अलग अलग तरीके से इसको इंटरजेक्शन को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसे एक्सप्रेस किया जाता है। ये आज के लिए हमने पढ़ा जो काफी इम्पोर्टेंट है, और आप जरूर बताइएगा कि ये आपके समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। जब आपके समझ में नहीं आएगा ये तो आगे जो एरर्स होगी किसी भी सेंटेंस में आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, और अगर ये चीज क्लियर हो गई तो आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये आपको थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो चीजें डिफिकल्टी होती है समझने के लिए, इजी तो हर कोई समझ जाता है। और फोकस कीजिए, जीवन में अच्छे नागरिक बनिए और देश का नाम ऊपर कीजिए, क्योंकि अपना देश जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, और डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो होता है वहां के विद्यार्थियों का सबसे बड़ा योगदान होता है, न कि हाथ पे हाथ दे के या कहीं चौराहे पे बैठ के या घरों में बैठ के टिकटॉक देख रहे हैं या ऐसा तो हर कुछ कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। तो लाइफ में वो करें जिसका कोई मतलब है। हमारी जीके की क्लासेस भी है तो उसके लिंक आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, ताकि उसका भी आप संविधान के पार्ट चल रहे उसमें और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया गया पॉइंट टू पॉइंट, तो मैं उसकी भी लिंक भेज दूंगा। और अगर बाय चांस आप तक मेरे व्हाट्सएप से नहीं पहुंच पाए हो तो आप भी मुझे अपने नंबर पर सेंड कर देना, मेरे नंबर पर सेंड कर देना, मुझे वो लिंक चाहिए ताकि मैं डायरेक्टली सेंड कर दूं। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, वो भी हमारा ही चैनल है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बेस्ट ऑफ लक।